सबसे पहले ये प्रॉब्लम को समझे, ये प्रॉब्लम है क्या साइकिल का चेन में, ठीक है। साइकिल के चेन अभी आपका उतरा हुआ है, सामने से देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। साइकिल के चेन अभी उतरा हुआ, पीछे साइड से भी उतरा हुआ है और आगे साइड से भी चेन उतरा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेन को चढ़ाते हैं, ये देखिए, और आगे हम आप लोग को इसका प्रॉब्लम बताते हैं सही तरीका से, ये प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें। ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए चेन हम चढ़ा रहे हैं तो चेन जो है इसमें आपका नहीं चढ़ रहा है, ये देखिए। सो दोस्तों, साइकिल चेन प्रॉब्लम, जब साइकिल के चेन में प्रॉब्लम आता है तो बहुत ही ज्यादा परेशानी और प्रॉब्लम होता है। तो इसे फिक्स करने के लिए हम लोग को मैकेनिक के पास लेके जाना पड़ता है और मैकेनिक ठीक करके देते हैं। तो जैसा कि जानते हैं हम एक साइकिल मैकेनिक, और हमारे चैनल पर आप लोग को साइकिल रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो मिलता है। तो ये साइकिल जो है दोस्तों, ये बेसिक मॉडल का MTB रेंजर साइकिल है। ये साइकिल के चेन में एक प्रॉब्लम हम आप लोग को दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये प्रॉब्लम को समझे, ये प्रॉब्लम है क्या साइकिल का चेन में, ठीक है। साइकिल के चेन अभी आपका उतरा हुआ है, सामने से देखिए आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, ठीक है। साइकिल के चेन अभी उतरा हुआ, पीछे साइड से भी उतरा हुआ है और आगे साइड से भी चेन उतरा हुआ है। तो सबसे पहले हम चेन को चढ़ाते हैं, ये देखिए, और आगे हम आप लोग को इसका प्रॉब्लम बताते हैं सही तरीका से, ये प्रॉब्लम क्या हुआ है इसमें। ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं, ये देखिए चेन हम चढ़ा रहे हैं तो चेन जो है इसमें आपका नहीं चढ़ रहा है, ये देखिए सामने से, यानी चेन का जो लेंथ है दोस्तों वो छोटा है। और सामने में देखिए यहाँ पर एडजस्ट का जगह भी दिया हुआ रहता है, लेकिन ये भी आपका कम है जैसा कि देख रहे हैं सामने से, ठीक है। ये देखिए पीछे तरफ जगह पूरा बचा हुआ है और ये आपका आगे तरफ जगह नहीं है। पीछे तरफ जगह में जो होता है दोस्तों, चेन टाइट होता है आपका और आगे तरफ में चेन आपका फिक्स होता है, ठीक है। तो ये चीज़ को समझिए। अब आप लोग ये पूरा देखिए, यहाँ जैसा कि दोस्तों ये प्रॉब्लम आप देख रहे हैं, तो चेन का लेंथ छोटा होने की वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। तो एक DS सब्सक्राइबर का ये हमारा साइकिल है दोस्तों, तो उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और हमारे हर एक वीडियो को देखते हैं और अच्छे से काम करते हैं। लेकिन दोस्तों एक खराबी क्या है ना, कि वीडियो पूरा नहीं देखते हैं। अगर आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं या फिर किसी भी क्रिएटर का कोई भी वीडियो देखते हैं तो पूरा देखा कीजिए, पूरा नॉलेज आप लोग को मिल पाएगा। आधा अगर आप वीडियो देखते हैं तो पूरा ज्ञान आप लोग को नहीं मिलता है और आप सही से वो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और कर नहीं पाते, अगर आप खुद से करना चाहते हैं। जैसे आपके पास साइकिल होगा, आप हमारे वीडियो को देखते हैं और साइकिल का जो है जो भी प्रॉब्लम होता है उसे आप देख करके ठीक करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप पूरा वीडियो को नहीं देखते हैं, आपको पूरा ज्ञान नहीं मिलता है, पूरी अच्छी तरीका से आप वो चीज़ को समझ नहीं पाते हैं और करने के लिए जब जाते हैं तो हो नहीं पाता है। बाद में आप हमें कमेंट करके भी बोलते हैं कि राजू जी आप इन्फॉर्मेशन गलत दिए हैं, नहीं हो पा रहा। तो पहले आप पूरा वीडियो को देखिए तो कम से कम, उसके बाद तो आप समझिए कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे, कैसे होगा, किस तरह से मैकेनिक करते हैं और आप कैसे कर सकते हैं। तो ये वीडियो को ध्यानपूर्वक आप लोग को पूरा देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है, जरा सा भी आपको छोड़ना नहीं है, वीडियो को पूरा देखना है, A to Z, A से लेकर के Z तक आपको देखना है, यानी शुरू से लेकर के अंत तक देखना है ये वीडियो को। तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम आप लोग को बताते हैं। तो DS सब्सक्राइबर ने हमारे वीडियो को देख करके क्या किए कि ये चेन जो है एक जगह से टूट गया था, टूटने के बाद ये जो है डायरेक्टली वो जो जहां से चेन टूटा था वहां से डायरेक्टली इसे फिक्स कर दिया, ठीक है, यानी जोड़ दिया। जोड़ने के बाद जब इसे ई किया, फिर कल तक चढ़ा रहा था सामने वाला गियर में, तो ये आपका चढ़ नहीं रहा था क्योंकि लेंथ जो छोटा है, चेन का लेंथ जब छोटा रहेगा दोस्तों तो ये आपका चढ़ेगा नहीं। अगर सामने में स्पेस रहता, ठीक है, तो आगे बढ़ा करके भी, तो इन्होंने जो चक्का का एक्सल को आगे बढ़ा करके, चक्का को आगे बढ़ाने के बाद भी जो है ना ये प्रोसेस को कंप्लीट करके देखा तो, लेकिन नहीं हुआ। तो चेन का लेंथ जब छोटा रहता है दोस्तों तो ये आगे वाला गियर में नहीं चढ़ता है। तो चेन का लेंथ को बड़ा करना पड़ता है, चक्का को सही से मिलाना पड़ता है, सही से टाइट करना पड़ता है, तब ये प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन मिलता है और सही से ये हो पाता है, ठीक है। अब हम आप लोग को यही प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में देंगे और अच्छे से आप लोग को बताएंगे डिटेल्स में। अगर आपके पास किसी भी कैटेगरी का साइकिल हो, अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है, चेन टूट जाता है, खुद से अगर आप फिक्स करना चाहते हैं तो फिक्स करने का बहुत सारा प्रोसेस रहता है, ठीक है। ये जो अगर MTB साइकिल है, अगर आपके पास इस तरह का बेसिक मॉडल का MTB साइकिल है तो इसका क्या प्रोसेस रहेगा, देसी साइकिल का भी प्रोसेस सेम रहेगा, उसमें चेन चाबी रहता है और इसमें चेन चाबी नहीं रहता है। तो आइए परमानेंटली सोल्यूशन इसका बताते हैं, चेन में अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो कैसे आप लोग इजीली अपने घर में ही ठीक कर सकते हैं। ये चीज को समझ जाएंगे तो कोई भी साइकिल का चेन का प्रॉब्लम अगर इस तरह का होता है तो आप समझ करके खुद ही आप ठीक कर लेंगे और हाँ 2-4 रुपए आप कमा भी लेंगे अपने दोस्त लोग से। सो दोस्तों जैसा कि देख रहे, चेन को हम चढ़ा रहे हैं तो चेन नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। आपको सबसे पहले क्या करना है, ये चेन का लेंथ को बड़ा करना है। चेन का लेंथ को बड़ा करने के लिए जहां से आप ज्वाइंट किए थे वो जगह तो देख लेना, अगर वहां पर बढ़िया से फिक्स हो गया है तो ठीक है, अगर फिक्स नहीं हुआ है तो आपको क्या करना है, वो जगह तो पहले खोज लेना। तो चलिए कहां से फिक्स किया था ये DS सब्सक्राइबर ये चेन को, उस जगह तो पहले हम खोज लेते हैं। सो दोस्तों फाइनली वो जगह मिल गया है चेन का, जैसा कि देख रहे हैं ये वाला ही वो जगह है। तो यहाँ से क्या करेंगे, चेन को हम पहले खोलेंगे, ठीक है। इसे खोलना बोले या फिर चेन को कटिंग करना बोले या तोड़ना बोले, सभी आप बोल सकते हैं जो आपको अपना हिसाब से सुविधा लगे।
चलिए हम चेन को पहले इस जगह से खोलते हैं पुलर का मदद से। ये देखिए पुलर का मदद से चेन को हम खोल दिए हैं। ये देखिए अब चेन का लेंथ को बढ़ाएंगे तो हम इसमें दो कड़ी चेन लगाएंगे, जैसा कि देख रही है पुराना चेन है लेकिन बढ़िया चेन है, ठीक है। इस तरह से चेन का कड़ी को आपको फिक्स करना है। ये देखिए, ये देखिए चेन का कड़ी हमारा फिक्स हो गया। फिर ये जो रिपीट रहेगा, जो कड़ी रहेगा, उसे आपको फिक्स कर देना है इस तरह से। ये देखिए ये हमारा फिक्स हो गया है। आप चेन पुलर का मदद से बराबर फिक्स कर देना है इस तरह से। अगर आपके पास चेन पुलर नहीं है दोस्तों तो आप मंगाना चाहते हैं तो बाई लिंक हम जो है दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप खरीद सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन ये चेन पुलर आपको ऑफलाइन नहीं मिलता है, हमारे इधर तो नहीं मिलता, अगर आपके उधर मिलता है तो आप मंगा सकते हैं या फिर खरीद सकते हैं ऑफलाइन। ये देखिए ये हमारा फिक्स हो गया कड़ी, ठीक है। दो कड़ी हम यहाँ फिक्स कर दिए, अब इसे हम यहाँ से फिक्स करेंगे। ये देखिए सेम प्रोसेस रहेगा दोस्तों, इस तरह से आपको ये देखिए फिक्स करना है। ये देखिए हमारा फिक्स हो गया, अब इसे इस कांटी को इस तरह से आपको फिक्स कर देना है। ये देखिए कांटी हमारा यहाँ पर फिक्स हो गया, आप कूलर का मदद से इसे फिक्स कर देते हैं। सो दोस्तों ये हमारा फिक्स हो गया, ये देखिए। तो चलिए अब चेन को हम चढ़ा करके देखते हैं चेन चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा है गियर में। ये देखिए चेन हमारा चढ़ गया दोस्तों फाइनली, और चेन भी देखिए लूज भी बता रहा है। तो इसमें दो ही कड़ी लगता है, हम सोचे कि चार कड़ी लगने वाला था इसलिए हम एक्स्ट्रा और भी चेन लेकर के आए थे, तो फिलहाल इसमें जो है दो कड़ी ही चेन जुड़ाया, ठीक है। चेन का लेंथ भी बड़ा हो गया और गियर में हम चढ़ा भी दिए। तो ये प्रोसेस को आप लोग अच्छे से समझ गए। तो इस तरह से चेन को, अगर कहीं से चेन आपका टूट जाता है तो वहाँ से जो है पूरा कड़ी को काट के आपको बाहर निकाल देना है, खोल के बाहर निकाल देना है। और इस तरह से आप लोग को जिस तरह से अभी दिखाएं बताएं उस तरह से चेन का लेंथ को बड़ा कर लेना है फिर से अदर कड़ी जोड़ करके, ठीक है। पुराना हो या फिर नया हो, नया रहेगा तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर पुराना भी मिलता है तो बढ़िया होना चाहिए, आपको जोड़ लेना है इस तरह से। अब क्या है दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं चेन भी लूज है, ठीक है। और ये देखिए इसका चक्का भी प्लेट बता रहा है, ये देखिए चक्का इसका सामने से देखिए आप लोग बढ़िया से पड़ता है, ठीक है। ये देखिए जैसा ही देख रहे हैं चक्का भी इसका प्ले बता रहा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल नट से जो है टाइट किया हुआ है, थ्रेड इसका सही है कि क्या है तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। और चक्का भी सही से सेट नहीं है, ठीक है। इस तरह से अगर चलेगा ना दोस्तों चेन उतरने का प्रॉब्लम आएगा। ये देखिए जैसा कि देख रहे हैं अभी घुमा रहे चेन उतरने का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, लेकिन ये देखिए मेडगार्ड यहाँ पर ही जो है मेडगार्ड में सट रहा है, ये देखिए, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं तो ये सब सेटिंग को मिलाना पड़ता है। अब ये सेटिंग को देखिए चक्का का सेटिंग को हम किस तरह से मिला रहे हैं, ठीक है। चेन का प्रॉब्लम के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अब चलिए चक्का का सेटिंग को मिलाते हैं, उससे पहले हम साइकिल को इस तरह से उलट देंगे, ठीक है। साइकिल को इस तरह से उलट लेना है। अगर आपका न्यू साइकिल रहेगा तो आपको क्या करना, सीट में, कैरियर में और हैंडल में कुछ लगा देना है, रख देना है ताकि स्क्रैच वगैरह ना लगे। अब हम चक्का को खोलते हैं सबसे पहले। अगर बॉटम ब्रैकेट दोस्तों आपका लूज रहेगा तो यहाँ से बॉटम ब्रैकेट टाइट होता है, ठीक है। ये जो रिंग नट है, रिंग वाला नट को खोलना है कप का, उसके बाद कप को टाइट करना है, फिर ये रिंग नट को टाइट कर देना है। ये आपका जो होगा दोस्तों ये तोता प्लायर का मदद से होगा। ये सब टूल्स अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं है, अगर आपको खरीदना है तो आपको हार्डवेयर शॉप में मिल जाएगा, साइकिल शॉप में मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, बाय लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं। हमारे लिंक के द्वारा आपको सही सामान मिल जाएगा, सही प्रोडक्ट मिल जाएगा। सो दोस्तों ये देखिए एक नट तो लूज खुला हमारा साइकिल का, अब दूसरा नट देखते हैं। सो दोस्तों ये थ्रेड तो थोड़ा कम बता रहा है, तो चलिए देखते हैं फिक्स करके। अब ये साइड वाला खोलते हैं नट को, ये साइड वाला तो ठीक लग रहा है। तो दोस्तों इसका भी थ्रेड जो है खराब हो गया है, ज़्यादा नहीं हुआ, टाइट करने पर चल जाएगा, अगर हद से ज़्यादा टाइट करेंगे ना तो स्लिप कर जाएगा, ठीक है। यानी थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा टाइट करें तो स्लिप कर जाएगा, तो इसे भी फिक्स करेंगे। सबसे पहले चक्का को बाहर निकालते हैं, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। सो दोस्तों ये देखिए इसका बॉल बैरिंग भी खराब है जैसा लग रहा है, हाँ ये देखिए, ओहो पूरा बॉल बैरिंग इसका खराब हो गया है दोस्तों। इसका बॉल बैरिंग हमें चेंज करना पड़ेगा और एक्सल भी चेंज करना पड़ेगा तब ये आपका ठीक होगा, ऐसे नहीं होगा। तो चलिए इसका देखते हैं बॉल बैरिंग चेंज करके क्या है नहीं है। Few moments later. So, दोस्तों फाइनली इसमें जो है हम बॉल बैरिंग लगा दिए हैं, न्यू चेंज कर दिए हैं, एक्सल भी इसका चेंज कर दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं सामने से देखिए आप लोग अच्छे से देख लेंगे,
ठीक है, समझ में आ जाएगा। ये देखिए एक्सल भी इसमें हम न्यू लगा दिए हैं और कटोरी भी न्यू लगा, बॉल बैरिंग भी न्यू लगा। इस पर हम डेडिकेट वीडियो शूट कर लिए हैं दोस्तों, अगर इसी पर हम ये वीडियो को मिलाते तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता। तो इसके बाद वो वाला वीडियो जो आएगा वो वीडियो को भी जरूर देखिएगा, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाए कि बॉल बैरिंग हम लोग कैसे खुद से ही चेंज कर सकते हैं साइकिल का, डिटेल्स में बताए हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं इधर पर कप बैरिंग भी सारा रखा हुआ है। तो चलिए अब हम ये चक्का को फिट करते हैं। फिट किस तरह से करना है दोस्तों, इस तरह का आपको जो है चार वाशर लेना है, ठीक है, आपको साइकिल शॉप में मिल जाएगा, अगर साइकिल शॉप में नहीं मिलता तो हार्डवेयर शॉप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। जैसा कि देख रहे हैं इस तरह का चार वाशर ले लेना है और एक एक वाशर आपको अंदर साइड में लगाना है। इससे क्या होगा ना दोस्तों कि चक्का आपका प्रॉपरली फिक्स रहेगा। ये देखिए दो वाशर हम लगा दिए हैं, जैसा कि देख रहे हैं एक फिर व्हील साइड में, ये देखिए एक आपका अपोजिट साइड में, एक फिर व्हील साइड में, ठीक है, दोनों साइड में हम वाशर लगा दिए हैं। अब जो है चक्का को फिट करना है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों इस तरह से चक्का आपको फिट होगा जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए चक्का हमारा फिट हो गया दोस्तों। अब क्या करना है, ये जो एक वाशर रहेगा, अगर आपका स्टैंड रहेगा तो स्टैंड को पहले लगाना है, फिर आपको ये वाशर को लगाना है और उसके बाद आपको ये जो मेडगार्ड का टाना रड रहेगा ये टाना रड को लगाना है। चक्के वाला जो वाशर रहेगा, चक्के वाला वाशर लगाने के बाद हाफ एक्सल नट को इस तरह से आपको टाइट कर देना है। ये देखिए हाथ से जितना हुआ हुआ इस तरह से टाइट कर देना है। फिर आपको दूसरा साइड में क्या करना है, वाशर पहले लगाना है, फिर टाना रड को लगाना है मेडगार्ड वाला, फिर वाशर आपको चक्के वाला लगाना है और इस तरह से नट लगा करके आपको नट को आपको टाइट कर देना है। स्पेनर लेने के बाद इस तरह से पहले आपको फिर व्हील साइड का नट को टाइट करना है। चक्का हम यहाँ पर पकड़ के रखे हैं जैसा कि देख रहे हैं मिडिल पे इस तरह से, ठीक है। चेन भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, ये देखिए चेन हमारा फिक्स हो गया है और हाफ एक्सल नट इधर लग टाइट हो गया है। और फिर आपको अपोजिट साइड वाला टाइट करना है, इधर लग किस तरह से टाइट करना है। ये जो चक्का आप देख रहे हैं चक्का को आपको मिडिल पे देखना है, ये देखिए चक्का भी मिडिल पे नहीं है, ठीक है। तो चक्का को मिडिल पे करते हुए आपको टाइट करना है, ये देखिए चक्का हमारा मिडिल पे हो गया और हाफ एक्सल नट को इस तरह से आपको टाइट करना है। अब एक्सल नट हमारा टाइट हो गया दोस्तों, ये देखिए चक्का को घुमाने से ओहो मेडगार्ड में फंस रहा है, मेडगार्ड का तार में, तो सीधा कर देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, अब देखिए मेडगार्ड में भी नहीं फंस रहा है और ये देखिए चक्का भी हमारा फिट हो गया है और परफेक्ट एकदम, कोई भी दिक्कत नहीं दोस्तों। ये देखिए चेन भी हमारा फिक्स हो गया, चक्का भी हमारा फिक्स हो गया और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिडिल पे देख करके एक बार आपको बढ़िया से मिला लेना है, उसके बाद आपको फुल टाइट दे देना है, हद से ज़्यादा टाइट नहीं देना है दोस्तों, ठीक है। हद से ज़्यादा टाइट देंगे तो हाफ एक्सल नट आपका स्लिप कर जाएगा। ये हो गया हमारा कंप्लीट। उसके बाद आपको क्या करना, बाइक का इंजन का न्यू ऑयल हो या फिर जला हुआ ऑयल हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा जला हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चेन में आपको ऑयलिंग कर देना है, अगर आप ऑयलिंग करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो ऑयलिंग पर ध्यान दीजिए। ये देखिए चेन इसका सूखा हुआ था तो ऑयलिंग हम कर दिए हैं और ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया। और ये देखिए चेन उतरने का प्रॉब्लम भी नहीं है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये देखिए चेन उतरने का भी प्रॉब्लम नहीं है, फुल स्पीड में घुमा करके आप लोग को दिखा दिए। तो चलिए और इस तरह से आपको साइकिल को सीधा कर लेना है। ये हमारा फुल एंड फाइनल कंप्लीट हो गया, चेन का जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया। तो जिस तरह से आप लोग को दिखाएं बताएं सेम प्रोसेस के साथ में कर लेना दोस्तों, सभी साइकिल का चक्का सेम प्रोसेस के साथ में फिट होता है। जिस तरह से आप लोग को दिखाएं बताएं, जैसी 22 इंच साइकिल हो या फिर 20 इंच साइकिल हो तो चेन चाबी को मिलाना है। इस पर हम ऑलरेडी डेडिकेट वीडियो बना चुके हैं साइकिल का चेन कैसे टाइट कर सकते हैं देसी साइकिल का, वो वीडियो को सर्च करके आप लोग मंगा लीजिएगा या फिर सर्च कीजिएगा कि राजू जी का साइकिल चेन टाइट करने वाला वीडियो, वीडियो आप लोग को सजेस्ट करेगा, वीडियो देख करके आप आसानी समझ जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर नॉलेजफुल वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक कर दीजिएगा, नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। जिस तरह से वीडियो आपको काम है उस तरह से आगे देखते का भी आएगा।